जैसे पितृ पक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कर रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमड़े का बोला जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा अधिक बनता है उसका वर्णन, हमने कद्दू का मना नहीं करा। कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ ने, भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओ ने, भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफ़ेद कलर का होता है नहीं ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े ना कुमड़ा, तो हमने उसका मना करा, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं दी। अब जो वो बड़ा वाला हुई नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार, आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, वो देखा तो वो पर वो कुमड़ा नहीं। शिव को जो चढ़ाना है, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है, सबसे सरल, जो मिल जाए शंकर जी को समर्पित कर दो, जो मिल जाए। कड़प भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा ला कर दे देता था, ब्राह्मण आता झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता, पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक तान टूट गई शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कड़प भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत, भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, निवेदन है बिल्कुल नहीं। धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद कपट ना।